दोस्तों, अगर आपके फोन में भी कम जीबी का रैम दिया हुआ है और इस वजह से आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पा रहे हो और ना ही कोई बड़ा गेम खेल पा रहे हो, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर रैम को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग को करने के बाद आप अपने किसी भी फोन में 2 GB से लेकर 8 GB तक रैम को इंक्रीज कर सकते हो और उसके बाद आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, कोई भी गेम खेलो, बिल्कुल मक्खन जैसा गेम चलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर 2 GB से लेकर 8 GB तक रैम को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। चाहे आपके फोन में सेटिंग्स हो या ना हो, ये दोनों फोन में काम करेगा। सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके फोन में सेटिंग्स दिया हुआ है रैम इंक्रीज करने का, तो आप उसमें कैसे अपने फोन में रैम को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको सर्च पे टैप करना है, ठीक है। और यहां पर आपको सर्च करना है रैम, यहां पर आपको रैम सर्च करना है और सबसे ऊपर में आपको रैम नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रैम के नाम से और यहां पर आप देख सकते हो मेरे फोन में 4 GB रैम है, लेकिन यहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने फोन के अंदर रैम को इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको रैम पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है रैम एक्सपेंशन, यहां पर आप देख सकते हो। और ये क्या होता है कि हम सभी के फोन के अंदर बंद होता है, तो यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको अपने फोन में इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जितना भी आपको अपने फोन में रैम को इंक्रीज करना है उतना आप कर सकते हो। मेरे फोन में लास्ट यहाँ पर 4 GB तक दिया हुआ है, आपके फोन में 8 GB भी दे सकता है, 12 GB भी दे सकता है, तो आप अपने फोन में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ मेरे फोन में 4 GB रैम इंक्रीज करने का ऑप्शन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना अपने फोन में आप रैम को इंक्रीज करोगे उतना आपको अपने फोन का स्टोरेज खाली करना होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है, When enough storage space is available, you can use part to extend your RAM। यहाँ पर पढ़ सकते हो, जिससे क्या कि अगर आपके फोन में स्टोरेज कम है तो आपके फोन में रैम इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप अपने फोन में 2 GB रैम इंक्रीज करोगे तो आपको अपने फोन के 2 GB स्टोरेज को खाली करना होगा और वही स्टोरेज क्या होता है कि आपके रैम में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने फोन के अंदर स्टोरेज खाली कर लेना, उसके बाद जितना आपको रैम इंक्रीज करना है उतना यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ पर एक बैक का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको बैक पर टैप करना है और यहाँ पर आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, क्योंकि जब भी आप अपने फोन में रैम को इंक्रीज करोगे तब आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ पर टैप करते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फोन में कितना रैम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो जो मेरा फोन है वो रिस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फोन में कितना ज्यादा रैम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं रैम, यहाँ पर रैम सर्च करते हैं, डायरेक्टली यहाँ रैम का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको रैम के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फोन में था पहले 4 GB, लेकिन अब यहाँ पर प्लस 4 GB और हो चुका है, यानी कि मेरे फोन में अब 8 GB रैम हो चुका है। तो आप इसी तरीके से अपने सेटिंग से अपने फोन में रैम को इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपके फोन में ये सेटिंग्स नहीं दिया हुआ है, कोई भी आपके फोन में रैम इंक्रीज करने वाला सेटिंग्स नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने फोन के अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ 4 या 5 MB का है, ठीक है। तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो स्वैप साइज का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको क्रिएट स्वैप का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे आप अपने फोन में रैम को इंक्रीज करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जितना यहाँ पर आपको रैम इंक्रीज करना है उतना यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। लास्ट यहाँ पर आपको 8 GB तक मिलता है, यहाँ पर आपको 512 MB से लेकर यहाँ पर 8 GB तक मिलता है कि आप अपने फोन में रैम को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है।
तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक रैम 1 GB रैम इंक्रीज करना आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टली आप जितना भी रैम यहां पर इंक्रीज करना चाहते हो यहां सेट कर लेना, और सेट करने के बाद नीचे में आपको क्रिएट स्वैप का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर आपको कुछ ऐड देखने होंगे। अगर आप अपने फोन में 1 GB रैम इंक्रीज करोगे तो यहां पर आपको 2 ऐड देखने होंगे, अगर आप 2 GB रैम इंक्रीज करोगे तो 4 ऐड देखने होंगे, ठीक है। तो यहां पर जितना आप रैम इंक्रीज करोगे तो यहां पर आपको बता देगा कि आपको कितना ऐड देखना होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम यहां पर यस पे टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद यहां पर लोडिंग स्टार्ट हो चुका है और यहां पर 2 ऐड चलेंगे, उसके बाद मेरे फोन में रैम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्वाइप फाइल सक्सेसफुल हो चुका है क्रिएटेड, यानी कि मेरे फोन में 1 GB और रैम इंक्रीज हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको अपने फोन का स्टोरेज खाली करना होगा। अगर आप अपने फोन में 8 GB रैम इंक्रीज करोगे तो यहां पर आपको 8 GB तक स्टोरेज को खाली करना होगा। लेकिन ये आपके फोन के रैम में नहीं दिखाएगा, जहां पर आप अपने फोन में रैम देखते हो वहां पर आपको नहीं दिखाएगा। ये आपके फोन में वर्चुअल रैम का काम करेगा, ये आपके फोन के बैकग्राउंड में काम करेगा। जितना आपको रैम इंक्रीज करना है यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो, और उसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलो, कितना भी बड़ा एप्लीकेशन यूज करो, आपके जो फोन में है कोई भी गेम चलेगा, कोई भी एप्लीकेशन चलेगा और आपका फोन कहीं भी हैंग नहीं होगा। तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, डायरेक्टली आपको अपने फोन के प्ले स्टोर के अंदर चले आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्वैप नो रूट, यहाँ पर आपको स्वैप नो रूट सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन के अंदर डाउनलोड करना है। तो आप भी अपने फोन में इस एप्लीकेशन को यूज करो और अपने किसी भी फोन के अंदर 2 GB से लेकर 8 GB तक रैम को इंक्रीज करो। उसके बाद जो आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलोगे तो गेम बिल्कुल स्मूथ काम करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।